सबसे पहले आप मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, वेजिटेबल ऑमलेट बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 अंडे और साथ में 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून टमाटर और टमाटर को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे बंद गोभी और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये सब्ज मिर्च है, आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को भी आपने इस तरीके से चॉप कर लेना है। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गाजर को, गाजर को भी हमने चॉप कर लिया है और एक छोटे साइज़ का हमने आलू काट कर उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आपने इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपने इकट्ठे कर लेने हैं। उसके बाद ही हम एक प्यारा सा पैन लेंगे, उस पर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून हम घी इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहे चम्मच की मदद से डाल लें या इस तरीके से लगा लें। उसके बाद जो हमारे पास प्याज है हम उसको इस पर शामिल करेंगे। हम इन प्याज़ों को पैन में डाल देंगे 2 टेबलस्पून और इसको चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज हमारे थोड़े से फ्राई हो जाए हम उसके अंदर इस तरीके से आलू को डाल देंगे और आलू को हम प्याज़ों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने तकरीबन 30 से 40 सेकंड इसको फ्राई करना है। उसके बाद जो हमारे पास हरी मिर्च है हम उसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पास जो गाजर है 2 टेबलस्पून हम गाजर को इसमें डाल देंगे और गाजर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं टमाटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमारे पास टमाटर थे, हमने वो भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालते हैं शिमला मिर्च, आपने भी इस तरीके से शिमला मिर्च को इसके अंदर डाल देना है। अब हम इसके अंदर डालते हैं बंद गोभी, 2 टेबलस्पून हम बंद गोभी को इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। अब हमने इन सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब हम इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हम मिक्स कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च को डालेंगे। और 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक को डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर दड़ा मिर्च डालेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो वेजिटेबल हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम 11 बाउल लेंगे और उसके अंदर 2 अंडों को इस तरीके से डालकर फेंट लेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे पास वेजिटेबल हैं हम उसको अंडे में डाल देते हैं। इस तरीके से आपने वेजिटेबल जो है वो अंडे के अंदर डाल देनी है। इस तरीके से आपने डालकर फिर इसको अच्छे से फेंट लेना है। इस तरीके से हम वेजिटेबल और अंडे को फेंट लेंगे। आपने अच्छे से फेंटना है इस तरीके से। दोस्तों, एक पैन लेंगे, उस पर तकरीबन हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे इस तरीके से। और जो हमारे पास ऑमलेट है वेजिटेबल, हम ऑमलेट को इस पर इस तरीके से डाल देंगे। फिर आपने चम्मच की मदद से ऑमलेट को अच्छे से फैला लेना है इस तरीके से। आपने इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसको चम्मच की मदद से पलट लेंगे। आपने बहुत ही एहतियात से पलटना है इसको। इस तरीके से आपने इसको आराम से पलट लेना है और तकरीबन हम इसको 1 मिनट तक इस तरीके से फ्राई करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑमलेट है वो रेडी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा जो ऑमलेट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है। अब मैं आपको इसे प्लेट आउट करके दिखाता हूँ। तो ले दोस्तों, माशाल्लाह से हमारा जो ऑमलेट है वो रेडी हो गया है। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही यूनिक स्टाइल है। इसको हम पिज़्ज़ा लुक देते हैं। आप इसको इस तरीके से काट के इसको पिज़्ज़ा लुक भी दे सकते हैं। देखिए माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वेजिटेबल एग पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की रेसिपी हमारी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।